हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म. माय नेम इज ईना. सो अगर आप नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो वीडियो सेक्शन में जाके मेरी पूरी स्टोरी जान सकते हैं. आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक जनरल टॉपिक है. कोई स्पेसिफिक मैं आपको टर्म नहीं सिखाने वाली हूँ ऑटिज्म से रिलेटेड, या मैं कोई टेक्निक नहीं सिखाने वाली. मैं आपको अपनी डेली लाइफ बताने वाली हूँ. लाइफ इज टफ, लाइफ इज हेक्टिक, लेकिन किसकी नहीं है, सबकी है. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते होंगे कि हम सुबह उठते हैं, हमें बच्चे को देखना है, घर का काम करना है, ऑफिस भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस सब में क्या हम अपने बच्चों को वो एक्सपोजर दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए? मैंने भी नहीं दिया था, और शायद उसी के सर्कमस्टांसेस थे कि मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं. मैं विराज को कभी बाहर नहीं लेके गई थी. सो एक एक्सपीरियंस था, मैं एक बार उसे पार्क में लेके गई तो बहुत तेज हवा चल रही थी. सो उसने एकदम हाथ ऊपर करे और वो हवा को फील कर रहा था, और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सोच के कि मैं अपने बच्चे को कभी पार्क नहीं लाई हूँ और उसे पता ही नहीं है हवा, ठंडी हवा की फीलिंग क्या होती है. सो जब उसने वैसा किया, और क्योंकि ऑब्वियसली डायग्नोसिस भी मुझे मिल गया था ऑटिज्म का, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में और एक सेल्फ गिल्ट आ गया था कि मैंने विराज को वो एक्सपोजर नहीं दिया. उस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं किसी भी बाउंडेशन में नहीं रहूँगी, मैं कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को सारा एक्सपोजर दूंगी, चाहे वो घर में एक कुकिंग से रिलेटेड हो, बर्तन धोने से रिलेटेड हो, नहाने से रिलेटेड हो, बाहर जाके शॉपिंग करने से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो. विराज को हाइट का फोबिया था, विराज को एंग्जाइटी होती थी अगर हम पार्क में जा रहे हैं. उसे झूले पे चढ़ने की तो बहुत जल्दी होती थी, लेकिन इम्पल्सिविटी बहुत थी कि मैं अगर यहाँ से आगे गया तो मैं गिर सकता हूँ, उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी. और मुझे सबसे पहला चैलेंज और सबसे पहली प्रॉब्लम यही दूर करनी थी कि अगर मैं विराज को पार्क लेके जा रही हूँ, या मैं विराज को रोड क्रॉस करवा रही हूँ, या मैं विराज को कहीं पर भी लेकर जा रही हूँ, उसके मन में फियर ऑफ डैमेज होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से आगे गया तो मेरी अगर ये लिमिटेशन ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे मुझे चोट लग सकती है, और वो चोट की सिवियरिटी कैसी हो सकती है, मुझे कितना नुकसान हो सकता है, मुझे उसे वो भी बताना था. सो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि कोई भी चीज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर का कितना भी काम हो, ऑफिस का कितना भी काम हो, डेली लाइफ का रूटीन चाहे जो मर्जी हो, लेकिन मुझे ये टॉप प्रायोरिटी पे लेना है. बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है क्योंकि हमारा बेबी ऑटिस्टिक है, न्यूरोडाइवर्स है, लाइट और नॉइज से सेंसरी इश्यूज होंगे, हम बाहर जाएंगे तो हम ऐसे एक्सपोजर नहीं दे सकते, मेल्टडाउन ट्रिगर हो सकता है. सो अगर आपको मेल्टडाउन नहीं पता है, मेल्टडाउन इज अ सिचुएशन जहाँ पर बच्चा या तो बहुत ज़्यादा रोने लगेगा या बहुत पैनिक मोड में आ जाएगा, और उस समय बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है. सो अगर मैं एक टिपिकल बच्चे के बारे में बात करूँगी तो उसका वो टैंट्रम कहलाएगा, लेकिन न्यूरोडाइवर्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर ये मेल्टडाउन होता है. सो मुझे ये चीज़ का भी बहुत डर था कि अगर विराज के अंदर मेल्टडाउन की टेंडेंसीज आ गई, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसरी नीड्स वाला बच्चा बन गया, तो मैं उसे कभी भी बाहर ले जाऊंगी, उसे हमेशा प्रॉब्लम होगी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे एक्सट्रीम सिचुएशन में ही लेकर जाऊंगी, मैं उसे बहुत सारी पब्लिक सेटिंग में लेके जाऊंगी, लेकिन ऐसी पब्लिक सेटिंग में लेके जाऊंगी जहां पे उसका इंटरेस्ट हो. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पार्क से. वहां पे बच्चे होते थे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था बच्चों के पास जाना, बट फिर भी मैं लेकर जाती थी. मैं वहाँ बच्चों से रिक्वेस्ट करती थी, थोड़े बड़े बच्चे होते थे तो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप इसके साथ खेल लो, अगर ये नहीं भी बात कर रहा आप इसे पुश करो. कई बार तो मैं चाहती थी कि वो इसको मारे ताकि ये रिटेलिएट करे, इसे सेल्फ डिफेंस करना आए. तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों से रिक्वेस्ट करी, एंड बच्चे तो ऑब्वियसली बहुत इनोसेंट होते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया, पूरा कोलैबोरेट किया, एंड हम लोग वहाँ गेम्स प्ले करते थे. विराज का इंटरेस्ट नहीं होता था, बट फिर भी हम बहुत पुश करते थे कि हमें साथ में ही खेलना है. दूसरी चीज़ जो मैंने करी वो ले जाना था मॉल. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अगर मॉल में बिगड़ गया तो, एलिवेटर पे नहीं चढ़ा तो, परेशान हो गया तो, नॉइज़ इतनी है, म्यूज़िक बज रहा होता है, बट मुझे वही चीज़ ख़त्म करनी थी.
क्योंकि मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि कल को दुनिया नहीं रुकेगी, क्योंकि मैं जाके किसी को ये नहीं बोल सकती कि मैं मॉल नहीं जा सकती शॉपिंग करने क्योंकि मेरे बेबी को ऑटिज्म है, या उसे लाइट और नॉइस से प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे उसे उस काबिल बनाना है कि कल को मैं वहां नहीं हूं, उसे जाकर खुद मॉल में शॉपिंग करनी पड़े। कम्युनिकेशन तो महज टूल है, लेकिन एटलीस्ट उसको इतनी अवेयरनेस हो कि मॉल जाकर अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, मैं लाइट नॉइज पब्लिक सेटिंग से डरू नहीं। तो मैंने एक्सट्रीम सिचुएशन से स्टार्ट किया ताकि जब सिचुएशंस मॉडरेट होंगी तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। बहुत सारे पेरेंट्स धीरे धीरे करके करते हैं, बट मुझे लगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने बहुत टाइम गंवा दिया है। आपके बेबी के केस में हो सकता है आप धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे केस में एक्सट्रीम से मॉडरेट आना बहुत ईजी था। सो मैं उसे मॉल्स लेके गई, मैं उसे गेमिंग स्टेशंस लेकर गई जहाँ बहुत नॉइज होती है, बहुत गाने बजते हैं। पहली बार जब लेके गई थी टीथ ग्राइंडिंग बंद नहीं हो रही थी। टीथ ग्राइंडिंग ऑटिज्म में या न्यूरोडाइवर्स ह्यूमन बींग्स के साथ, या इनफैक्ट कुछ टिपिकल बच्चों में भी टीथ ग्राइंडिंग स्ट्रेस का साइन होता है। सो न्यूरोडाइवर्स में आप बहुत देखेंगे टीथ ग्राइंडिंग इज अ रेपिटेटिव बिहेवियर, बहुत होगा जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, वो किसी भी सिचुएशन के बेस्ड हो सकता है। सो मैं जब उसे फर्स्ट टाइम मॉल लेके गई थी, फर्स्ट टाइम झूले पे चढ़ाया था, फर्स्ट टाइम स्लाइड से ऊपर से नीचे उतारा था, सीढ़ियों से, स्लाइड नहीं करवाया था, सीढ़ियों से नीचे उतारा था ताकि उसे हाइट का डिस्टेंस, हाइट से कैसे नीचे आना है स्टेप बाय स्टेप वो समझ आए। उसकी ये सारी एंजाइटी खत्म करनी थी, उसका डर ब्रेक करना था मुझे, ताकि उसका जैसे ही डर खत्म होगा वो अपने आप प्रो हो जाएगा हर चीज में। तो हमने ट्रैम्पोलिन्स का सहारा लिया, हम इंडोर पार्क्स में जाते थे, जो इंडोर पार्क्स बने होते हैं बच्चों के लिए, हम वहां जाते थे क्योंकि उसे सेंसरी नीड्स, उसे सेल्फ स्टिमुलेशन की बहुत आदत थी, कूदने की बहुत आदत थी। तो हमने कहा व्हाई नॉट ट्रैम्पोलिन, तो हम उसे ट्रैम्पोलिन पर छोड़ देते थे, वो कूदता रहता था एंड ही वॉज हैप्पी, एग्जर्टेड होता था खूब, लेकिन हम उसे ट्रैम्पोलिन पर छोड़ते थे। हम उसके बाद पार्क्स गए हैं, मॉल्स गए हैं, हमने साथ में शॉपिंग करी है, हमने साथ में बैठ के खाना खाया है, ताकि चाहे हम फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं बट हम ले रहे हैं और हम वहाँ बैठ रहे हैं बाहर, ताकि उसे ये नॉलेज मिले कि हाँ हम बैठे हैं। तो मैंने ऑटिज्म या उसका न्यूरोडाइवर्स होना या किसी भी चीज़ को उसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं बनाया है। मैं उसे ट्रांजिशन, ऑटिज्म में या न्यूरोडाइवर्स इंडिविजुअल को आप ट्रांजिशन करते हैं, जो आपका टिपिकल बेबी होता है वो आपकी सराउंडिंग से सीख जाता है, लेकिन न्यूरोडाइवर्स किड्स के साथ हर चीज़ आपको डेवलप करानी पड़ेगी। कई बच्चे बहुत लेट डेवलप करते हैं, कई बच्चे अर्ली इंटरवेंशन की वजह से बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये डिसीजन ले लिया था कि कोई बात नहीं, एक बार एंग्जाइटी होगी, दो बार एंग्जाइटी होगी, बट इट्स ओके। एंग्जाइटी ब्रेक करनी है, उसे कॉन्फिडेंस दिलाना है, उसे पब्लिक सेटिंग की आदत डालनी है, लोग दिखने चाहिए, म्यूजिक दिखना चाहिए, म्यूजिक सुनाई देना चाहिए, लाइट्स दिखनी चाहिए, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसी ऐसी राइड पे बिठाऊं जहां मैं पीछे खड़ी रहूं और वो चला जाए आगे, ताकि उसे ये भी पता लगे कि ठीक है, एक मन में अश्योरिटी हो कि हाँ मम्मा तो खड़ी हैं, मैं आ ही जाऊंगा। सो मैं जितना एक्सपोजर दे सकती थी मैंने उतना दिया है, जितनी वीडियो क्लिप्स मैंने आगे डाली हैं आप आई एम श्योर एंजॉय करेंगे। प्लीज प्लीज, अगर आप कोई ऐसे पेरेंट हैं, ऐसे रिलेटिव हैं या सिबलिंग हैं, या अगर आप किसी तरह से भी एसोसिएटेड हैं किसी न्यूरोडाइवर्स के साथ, और अगर वो कोई बच्चा है तो प्लीज उनके पेरेंट्स को बताइए, या अगर आप खुद पेरेंट हैं तो प्लीज समझिए, इसको ऑब्स्टैकल मत बनाइए, ब्रेक द फियर, इसको ऑब्स्टैकल नहीं बनाना है। हमें अपने बच्चों को केपेबल करना है, जब हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे एज एन इंडिविजुअल कैसे रहेंगे। सो इट्स ऑल माइंड ट्रेनिंग, एक्सपोजर मिलता है, अडेप्टेशन होती है। सो अब आप आगे देखोगे सारी वो वीडियो क्लिप्स जो मैंने कंपाइल करी हैं विद अ गुड म्यूजिक, ताकि आप इंजॉय कर सको कैसे हमने विराज को डिफरेंट सेटिंग्स में ले जाके उसे एक्सपोजर दिया है। सो हैव फन एंड एंजॉय दिस वीडियो। Thank you.
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। कौन गाते सुनाएगा?